रहे हैं अपने होटल से मंदिर की तरफ। सुबह हो गई है, टाइम हो गया है सुबह के 10:30 और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। वहाँ पे मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे रेस्ट करेंगे, खाएंगे कुछ और फिर निकलेंगे घर की ओर। अभी तो जा रहे हैं सीधा मंदिर, वो तो अपने मंदिर है। और ये हमारा डे 3 व्लॉग, ये देखिए वो सामने मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं वो मस्त देखने के लिए। तो भाई पहुँच गए हैं मंदिर में और अभी वेट कर रहे हैं, ये प्रसाद ले रहे हैं सभी, तो हम भी लेंगे नहीं सर प्रसाद। दो दे दो भाई, ये लो। ये पैसे हुई है? हाँ हुई। बुलाना या? एक और देने भाई। ले जा ले, ले लिया ही ना। हाँ तो को दे दे। तो आइए अभी प्रसाद वगैरह लेके चले हैं मंदिर में। कुछ नहीं होना, चलो बरड़ू कदा गया भूल लिया आ जाना के वाला। अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। कल से थोड़ा से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, कल कम ही थे आज थोड़े ज़्यादा हैं, तो सभी जा रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें आज। हमने कल को भी जाना है वापस, तो 4 बजे हमारी ट्रेन है, उससे पहले पहले हमने करना है जो। चलो ठीक है, तो फाइनली मंदिर के प्रवेश द्वार पे आ गए हैं। तो आगे तो मंदिर में अलाउड नहीं है कैमरा, तो अंदर का नहीं दिखाएंगे। हाँ मतलब अंदर नहीं है टोटल, यहाँ नीचे तक तो है जहाँ पे लाइनें होंगी, उसके आगे अंदर नहीं जाने लेते कैमरे के साथ। ये है, ये नया हाल बना है मंदिर का ना। LEDs वगैरह लगाई हुई हैं यहाँ पे। हाँ तो भाई इन्होंने ना एक ये मंदिर का मॉडल रखा हुआ है ना, ऐसा मंदिर बनाएंगे यहाँ पे, ये वाला मंदिर ऐसा बनेगा। आपके बाद दिखाता हूँ आपको ये वाला मॉडल ना कैसा है। ठीक है भाई, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसे वो कुछ बोलने तो ठीक नहीं लगता, इससे पहले हम बंद कर देंगे, उसके बाद ही मिलते हैं आपसे। ये यहाँ पे 2 छोटे छोटे स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, ये एक छोटा है, दूसरे वाला गहरा है, पर दोनों में अभी पानी नहीं है, पानी थोड़ा है। बंदे इस बार बंदे यहाँ पर कम ही आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश होता था इस टाइम पे, मेले लगे हुए हैं फिर भी रश नहीं है। ये हनुमान जी की मूर्ति, तो देख लो भाई हमारे फोटो खींच रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति के साथ। तो भाई अब हम आ गए हैं नीचे, आपको अच्छे से दिखाते हैं बाकी सब। आपको ये श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं जो पीले कपड़े डाल के, तो ये है यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ नहाने के लिए स्विमिंग पूल, पर यहाँ पे कोई नहाता नहीं है और ज़्यादा वो करते नहीं हैं, सभी जो हैं उसी में नहाते हैं रिवर में ही। तो देखना भी बंदों को कैसे नहा रहे होंगे, मैक्सिमम बंदे पंजाब से ही आते हैं यहाँ पे, हिमाचल वाले तो जो आस पास के हैं वही आते हैं, जहाँ दूर दूर से आएंगे वो उनको पता है हिमाचल का क्या हिसाब है, क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी साफ़ है ना। यहाँ से आप 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना पहाड़ की तरफ, वहाँ पर बारिश हो रही होगी और उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर पानी आएगा तो एकदम से आएगा, बिल्कुल कुछ पता नहीं लगेगा इनको। तो ये बंदों का हिसाब है। और ये वाला एरिया ना आप देख रहे हो, ये पत्थर वगैरह ये सभी ना उस टाइम पे जब यहाँ पे पानी आया था तब यहाँ पे आए थे सारे, इस मंदिर में पानी घुस गया था।
लो, क्योंकि ये इतनी गर्मी से उठ के आए हैं एकदम चिल्ड पानी है, बिल्कुल ठंडा। जो ठंडे की बोतलें होती हैं यहाँ पे वो इसमें में रखी जाती हैं बनने के लिए, बिल्कुल चिल्ड। देख लो ऐसे एंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग आते हैं, मंदिर के नाम का तो समझ ही लो। वैसे मंदिर ने मना कर रखा है यहाँ पे नहाने के लिए, पर लोग मानते नहीं हैं। तो भाई ऊपर से नज़ारा देखो कैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। तो भाई ये है वो मॉडल, ठीक है, जो आने वाले टाइम में चौंटा माता का मंदिर है वो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। ऐसा मंदिर बनेगा आने वाले टाइम में चौंटा माता का। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी डिटेल्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो भाई मंदिर में जाके आ गए हैं, अभी जा रहे हैं लंगर खाने। तो ये सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे लगता है माता जी का लंगर। तो यहाँ पे मेरे को लगता है आज शादी भी है। हाँ यहाँ पे काफ़ी शादियाँ होती हैं इस मंदिर में, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, तो लगता है आज कोई आया है। ये आ गई है मेरे को लगता है बारात वाले। जी देखते हैं आगे। तो भाइयों आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, नहीं पता नहीं पहले दिखाई होगी किसी ने या नहीं, पर ये चामुंडा माता का जो लंगर हॉल है ना उसके पास है एक बड़ा सा पत्थर, वो अंदर ही रखा हुआ है, इसको कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते थे इसकी वजह से इन्होंने अंदर ही रखा है बिल्डिंग, और ये काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा है। तो भाई ट्रेन लेने के लिए आ गए हम एक घंटा पहले, अभी एक घंटा इंतज़ार करेंगे ट्रेन का। और ये अपने भाई खड़े हैं सारे, हम पहुँचे चामुंडा मार्ग, तो देख लो। तो भाई हमने ट्रेन ले ली थी, ट्रेन में काफ़ी रश था इसकी वजह से हमने पीछे नहीं बनाया। अभी हम पहुँचे हैं ज्वाला जी, और ज्वाला जी से निकली है ट्रेन, और एक भाई हमारा कह रहा है कि मैं बनाऊँगा ब्लॉग, तो आगे वो बोलेगा नहीं बल लेकिन बनाएगा जरूर, तो उसके बाद दे रहा हूँ कैमरा। ये सचिन भाई जी कुछ कर रहे हैं पीछे हमारे, ओमेगल चला रहे हैं भाई हमारे, ये देखिए ये है ओमेगल चलाने वाला बंदा, गाड़ी में ओमेगल चला रहा है। तो भाई अभी ट्रेन में थोड़ा सा रश कम हो गया है, अभी हम पहुंचे हैं आनंदपुर में, हाँ आनंदपुर बटोली, और बंदों की बुरी हालत है गर्मी से, गर्मी से बुरे हाल है लोगों के, और ये बाबा जी चाय भी बेसिकली पंजाब से हैं, हाँ चलाए थे ये भी चामुंडा घूमने के लिए, और हमारे साथ ही ट्रैवल करें, इन्होंने जसूर जाना है, हमने ज्वाली जाना है।
सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ज्वाली में रेलगाड़ी स्टेशन से। हम 12 के मेन रोड पे और अभी हम जा रहे हैं घर पे। अभी कुछ हमें ले जाने के लिए कुछ है नहीं तो पैदल ही जाएंगे। यहाँ से हमारा घर होगा कम से कम 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हम पैदल ही जाएंगे। फिर ले जाने के लिए कुछ है नहीं। ले जाने वाले बहुत है पर हम किसी को बुलाने वाले नहीं है ना, इसलिए हम पैदल ही जाएंगे आज। यहाँ पहला सो हेलो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं अपने घर के पास। ये हमारे घर का मेन अड्डा त्रिकाटी और ये मंदिर है। और आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।